everyone, welcome to my channel Creations by Zubia Imran and its segment Learn German with Z. जैसे कि हमने पहले कुछ segments जो हो चुके हैं और पहले जो sessions हो चुके हैं उसमें आपने German के different words सीखे, जिसमें कि greet करना, दिन और रात को आप किस तरह से greet कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसा ऐसा हम vocabulary की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद details में जाएंगे. जर्मन एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है. आप इसको हमेशा इंजॉय करते हैं. जब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आप इसको और सीखें और इसको डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें. तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपनी स्टडीज या यहाँ पे रहना चाहते हैं. तो आप कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप उस किसी भी जुबान को, उर्दू, पंजाबी, इंडियन, स्पैनिश, जर्मन, कोई भी जुबान हो, जब आप सीखना चाहते हो तो एक चीज हमेशा भूल जाएं कि आपने लैंग्वेज सीखते वक्त शाय फील नहीं करना है. गलतियां भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो मिस्टेक्स होना लाजमी है. और मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी में या कोई भी ऐसी फील्ड हो जहां पे आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं या आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो गलतियां होना एक बहुत ही खूबसूरत बात है. वो इसलिए कि आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आप सही चीज तक पहुंच पाएंगे. जो लोग गलतियां नहीं करते वो तो रोबोट्स होते हैं, मेरा ख्याल है. मैं उनको इंसान नहीं मानती. इंसान गलतियां करते हैं और उससे सीखते भी हैं. सबसे खूबसूरत बात यह, इससे पहले सेशन में हमने सीखा था कि आप किस तरह से खुद को मुखातिब कर सकते हैं. इश, इश, मैं. इसी तरह जब आप किसी दूसरे को मुखातिब करना चाहते हैं, अपने से छोटे को या किसी भी इनफॉर्मल कंडीशन में किसी दूसरे को, अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपने अपने से उम्र में छोटे को या किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आपकी फ्रेंकनेस है और आप कोई बहुत फॉर्मल नहीं है, बहुत इज्जत के साथ नहीं, लेकिन एक मुखातिब करने का तरीका यह है कि आप दूसरे को दू बुलाते हैं. तुम, दू. यू, दू. दू मतलब डी यू, दू. तो इसी तरह इश, दू. इश, मैं. तुम या यू, इसको जब आप बुलाएंगे तो आप कहेंगे दू. दू मतलब तुम, या जहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और आप किसी दूसरे को मुखातिब करना चाहते हैं. इसी तरह से जहां पे फॉर्मेलिटी हो, जहां पे इज्जत के साथ आपने किसी को मुखातिब करना है, या जिस किसी दूसरे स्ट्रेंजर को जिसे आप पहले कभी ना मिले हो या आप किसी को ना जानते हो और आप फर्स्ट टाइम उसको बुला रहे हैं या मुखातिब कर रहे हैं, तो आप उसको बुलाएंगे जी. जी आप, उर्दू में, इंग्लिश में यू, लेकिन फॉर्मल तरीके से आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप जर्मन में उसको कहेंगे जी. आप, यू, जी. तो इन दो चीजों का खास ख्याल रखें जब आप किसी को मुखातिब करते हैं, तो दू या जी का इस्तेमाल करते हैं. इन क्लासेस के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से जेंडर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. मतलब कि अगर आपने किसी को, किसी ही या किसी मुजक्कर को बुलाना या मुखातिब करना है तो आपने किस तरह से करना है, और अगर आपने किसी मोनस यानी कि किसी फेमिनन, किसी औरत को मुखातिब करना है तो कैसे करना है. इश यानी कि मैं, दू यानी कि तुम, इनफॉर्मल, जी यानी कि आप, एर यानी कि कोई लड़का, मुजक्कर, कोई आदमी, एर. इसी तरह मुअन्नस और फेमिनिन के साथ दोबारा आप जी लगाते हैं. तो थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है, थोड़ी सी लर्न करने की चीजें हैं, तो कंसंट्रेशन करेंगे तो आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे. अब जब हमने बोलना है हम, वी आर, तो आप बोलेंगे डॉयच में वीर, डब्ल्यू आई आर, वीर. हम, हम ज्यादा, हम सारे. तो ये चीजें हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, उर्दू में पढ़ चुके हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं,
और अपना पूरा इंटरेस्ट लेके इस लैंग्वेज को जब आप समझेंगे तो आपको मजा भी आने लगेगा और आप इस लैंग्वेज को एंजॉय भी करेंगे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैव अ गुड डे। गुड बाय।